दोस्तों जो लोग जनरल के एसी यूज करते हैं, स्पेशली जो थाईलैंड में एक यूज करते हैं, उन लोगों को पता है 20-20, 25-25 साल से भी बिना किसी प्रॉब्लम के जनरल के एसी परफॉर्म करते हैं। तो क्वालिटी वाइज कोई कमी नहीं है प्रोडक्ट में, बहुत ही हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट आपको मिलता है और परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से आपको हैवी ड्यूटी मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक पावरफुल एसी की, जो कि 1.5 टन, 2 टन, 3 टन तक की कैपेसिटी में आता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें 2 टन का एसी सजेस्ट कर दीजिए, 3 टन का कर दीजिए, कोई स्टार रेटिंग की कोई उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी प्रायोरिटी होती है कूलिंग। तो दोस्तों अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ कूलिंग है और हाई परफॉर्मेंस है और आपको कोई चिंता नहीं है कि कितना बिल आएगा, तो आपके लिए जनरल के एसी बने हैं। दोस्तों जनरल की जो मशीन्स हैं आप सब जानते हो, वर्ल्ड वाइड मास्टर्स हैं वो कूलिंग के। कूलिंग के मामले में जनरल को कोई बीट नहीं कर सकता। और एम्बियंट अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो एक्सट्रीम एम्बियंट टेम्परेचर पर भी जनरल की मशीन्स चलती हैं, कूलिंग करती हैं, ट्रिप नहीं करते हैं उनके कंप्रेसर। जबकि बाकी जितनी भी कंपनीज है आप सब जानते हो उनका क्या हाल है, 45 से ऊपर जाते ही ट्रिपिंग होना शुरू हो जाते हैं उनके कंप्रेसर, लेकिन जनरल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जनरल दोस्तों नाम ही ऐसा है कि आपको फीलिंग आती है कि हाँ हाई परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, क्योंकि एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट होता है इनका और परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से ही आपको देते हैं। अगर आपका एरिया थोड़ा सा बड़ा है, जैसे 200 स्क्वायर फीट का है या 250 स्क्वायर फीट का है, तो वहां पर भी आप 1.5 टन का एसी इसका बड़े आराम से लगा सकते हो और आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस मिलेगी। और जबकि जो बाकी होती हैं कंपनीज, वहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाता है 150 या हार्डली 180 स्क्वायर फीट तक, लेकिन जनरल के एसी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, इसीलिए ये ज़्यादा एरिया को भी कवर करते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से इनकी कूलिंग बहुत अच्छी होती है और इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि क्या खूबियाँ होती हैं, क्या इनके अंदर फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से ये मास्टर्स हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे FUTC सीरीज की, जो कि नॉन इन्वर्टर मॉडल है। क्योंकि दोस्तों जब आप 2 टन, 2.5 टन और 3 टन तक की मशीन के बारे में सोचते हो या आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो मशीन्स, तो आप इन्वर्टर मॉडल्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। क्योंकि जब 2 टन, 2.5 और 3 टन की बारी आती है या बात होती है, तो वहां पर आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अब आपको पावर सेविंग करनी है, क्योंकि जितनी मशीन्स की टनेज बढ़ती रहती हैं तो पावर सेविंग ऑब्वियसली कम होती रहेगी। और जनरल की मशीन्स के साथ तो है ही ऐसा कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको पावर सेविंग का ऑप्शन दें, क्योंकि इनकी 1.5 टन की मशीन भी ऑलमोस्ट 10 एम्पेयर पर चलती है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों बात करते हैं नॉन इन्वर्टर मॉडल की, जो है FUTC सीरीज में। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कंप्रेसर की, तो ऑब्वियसली रोटरी कंप्रेसर यूज होता है इसके अंदर, लेकिन हाइपर ट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर यूज करता है जनरल इसके अंदर, जो कि हाई एम्बियंट के ऊपर भी परफेक्टली काम करता रहता है। और 1.5 टन और 2 टन की मशीन में आपको रोटरी कंप्रेसर मिलता है, जो कि ऑब्वियसली सिंगल रोटरी कंप्रेसर है, फिक्स स्पीड के ऊपर चलता है, वेरिएबल नहीं चलता है। और जो इनके 2.5 और 3 टन के मॉडल हैं उनके अंदर आपको मिलता है स्क्रॉल कंप्रेसर। तो यानी कि जो छोटे मॉडल हैं 1.5 और 2 टन वाले, उसके अंदर रोटरी, और जो बड़े मॉडल हैं बड़ी टनेज के साथ आते हैं 2.5 और 3, उसके अंदर मिलेगा आपको हाइपर ट्रॉपिकल स्क्रॉल कंप्रेसर। और बहुत ही कमाल की कंप्रेसर पावर है, बहुत ही कमाल का इसका परफॉर्मेंस है, और हाई एम्बियंट के ऊपर भी इनका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जनरल के एसी कूलिंग करते हैं और यूनिफॉर्म कूलिंग करते हैं। सऊदी अरेबिया में दोस्तों आप सब जानते हो, दुबई वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर दोस्तों जनरल के एसी ही कामयाब है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि मशीन्स की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। और इनके कंडेंसर और एवेपोरेटर कॉइल की अगर बात करें, तो 100% हाई ग्रेड कॉपर का यूज़ किया जाता है,
और इनके जो आउटडोर्स हैं उनके फिन्स पे आपको ब्लू कोटिंग भी मिलेगी, यानी कि रस्ट वगैरह से प्रोटेक्शन आपको मिलेगी और एंटी कोरोसिव कोटिंग हो रखी होती है। और बात करें इनके आईशेयर रेटिंग की, वैसे तो दोस्तों जनरल के एसी के साथ आईशेयर रेटिंग की बात करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जनरल के एसी जैसे कि मैं बता चुका हूँ पावर सेविंग का कोई मतलब नहीं है इनके साथ, लेकिन स्टिल ये 3.5 आईशर रेटिंग के साथ आते हैं और 3.5 आईशर रेटिंग इनकी 1.5 टन और 2 टन के मॉडल में मिलेगी, 2.5 टन में भी मिलेगी, लेकिन जो 3 टन का इनका मॉडल है उसके अंदर कोई आईशर रेटिंग स्पेसिफाई नहीं की जाती है, यानी कि उनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या स्टार रेटिंग होगी। बस वो आपको एसी लगाना है और बस कूल करेगा वो, बिजली का कोई मतलब नहीं है कि कितनी लगेगी या कितनी नहीं लगेगी। नॉइस लेवल की बात करें तो जो इनका 1.5 टन का मॉडल है उसका नॉइस लेवल आपको 33 या 34 डीबी के आसपास मिलने वाला है। सुपर साइलेंट इनके ऑपरेशंस होते हैं और इनके आउटडोर भी बहुत साइलेंट चलते हैं। इनके आउटडोर दोस्तों थोड़े साइज में बड़े होते हैं, इसलिए कंडेंसर कॉइल्स भी बड़ी होती हैं, डबल रो की कंडेंसर कॉइल यूज़ की जाती हैं, तो उस वजह से हाई एम्बिएंट पे भी मशीन्स काम करती हैं। और जो इनके कंप्रेसर्स हैं वो भी साइलेंट चलते हैं, कोई भी नॉइज़ इतनी नहीं करते हैं, तो नॉइसलेस साइलेंट आपको कूलिंग एक मिलती है जनरल के एसी के साथ। अब अगर बात करें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस की, तो दोस्तों स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस का कोई मतलब नहीं है FUTC सीरीज में, क्योंकि ये एक नॉन इन्वर्टर मॉडल है, तो ऐसे में आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा और जनरल की मशीन है जैसे कि हैवी ड्यूटी मशीन है, तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हैवी ड्यूटी स्टेबलाइजर भी इसके साथ ज़रूर लगाना पड़ेगा, चाहिए नहीं पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस मॉडल में एयर फिल्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डस्ट फिल्टर्स मिलेंगे और कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको नहीं मिलता है। साथ में इसमें यूज होने वाली गैस की अगर बात करें तो R410A गैस आपको इस एसी के साथ मिलती है। हालांकि R32 गैस बहुत ही पॉपुलर है और आप सब जानते हो कि एफिशिएंसी भी उसकी ज़्यादा है, लेकिन जनरल R410A गैस ही यूज़ कर रहा है अपने FUTC सीरीज में। उसके बाद बात करें कुछ स्पेशल फीचर्स की, तो दोस्तों इनका जो इंडोर है वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है, मतलब काफ़ी बड़ा इंडोर होता है, उसके अंदर जो ब्लोअर लगा है वो भी साइज़ में बड़ा होता है, और साइज़ में बड़े होने के बावजूद ऑपरेशन साइलेंट रहते हैं, तो इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजी। और इनके जो स्विंग होते हैं 4-way स्विंग होते हैं, जो फ्लैप है लोअर है वो अप एंड डाउन तो होता ही है, लेकिन जो नीचे अंदर होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट भी ऑटोमेटिकली होते हैं, आपको हाथ से एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ सालों से जनरल के एसी में है, बाकी कंपनीज में तो अभी आई है, लेकिन मोटराइज्ड इसके जो लेफ्ट टू राइट वाले भी ऑप्शंस हैं वो सालों से आते हैं स्प्लिट एसी के अंदर। और जैसे कि ब्लोअर मैंने बताया कि साइज में थोड़ा बड़ा होता है, तो मोटर भी उसके लिए हैवी यूज़ की जाती है, और दोस्तों 6 स्पीड की मोटर यूज़ की जाती है, यानी कि फैन स्पीड्स आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप सब समझ सकते हो कि क्या कमाल का आपको एयर फ्लो मिलने वाला है। 25 मीटर का एयर फ्लो कंपनी क्लेम करती है, तो आप सब समझ सकते हो कि बड़े से बड़े कमरे को भी बहुत ही जल्दी और कोने कोने तक कूल कर सकता है ये एसी। और इसमें आपको सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम भी मिल जाता है, हालांकि ये मॉडल वाईफाई को सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा, नो गूगल नो एलेक्सा, सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है जो कूलिंग करती है और कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको इसमें नहीं मिलता है सिवाय सेल्फ डायग्नोसिस के। और वारंटी की अगर बात करें तो दोस्तों 1 साल की वारंटी मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव पूरी मशीन के ऊपर और प्लस 4 इयर्स की वारंटी मिलेगी कंप्रेसर के ऊपर, तो जो नॉर्मल एसीज में मिलती ही है 5 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी, सेम वही है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं कुछ और बातें करना चाहूँगा कि अगर आपको ये मशीन लेनी है तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कूलिंग ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हमें एक बढ़िया एसी लेना है, स्मार्ट एसी लेना है जो हमारे फ़ोन से भी चल जाए, वाईफाई से भी चल जाए, तो आप लोगों के लिए जनरल का एसी नहीं बना है, क्योंकि जनरल के एसी जो हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं बेसिकली ये लोग, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के ऊपर ये नहीं काम करते हैं, और हार्डवेयर बेस्ट इन क्लास है इनका, कूलिंग बेस्ट इन क्लास है इनकी, और परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास है इनकी। तो ये तो हो गई फीचर्स और प्रोज की बातें, अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की।
पहला जो पॉइंट है वो कॉन में तो नहीं मैं कहूँगा, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि जो जनरल की मशीन्स हैं वो हार्ड टू बाय हैं और हार्ड टू मेंटेन है, क्योंकि महंगी होती हैं, इनिशियल कॉस्ट इनकी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए प्रोडक्ट की, तो उसके लिए पैसा भी खर्चना पड़ता है। जैसे मित्सुबिशी के एसी बहुत महंगे आते हैं, इसी तरह से जनरल के एसी भी महंगे आते हैं, और परफॉर्मेंस आप सब जानते हो कि हाई मिलती है। लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस भी इसकी महंगी होती है। जहाँ आपका नॉर्मल एसी जैसे एलजी या डाइकिन वगैरह का कोई नॉन इन्वर्टर एसी 1500 या 2000 में ठीक हो जाता है, लेकिन जनरल के एसी को हाथ लगाने के ही लोग 2500-3000 रुपए ले लेते हैं। अब वही बात है कि जिस हिसाब से मशीन होती है उस हिसाब से उसके चार्जेस भी होते हैं। जैसे हमारे पास कोई मारुति कार है, छोटी कार है, तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी सस्ती आएगी। वहीं पर अगर आपके पास कोई महंगी कार है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो ऐसे में ये चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें मशीन्स के ऊपर, अगर कॉन्स की अगर मैं कोई बात करूँ, तो सिवाय स्मार्ट फीचर्स के और कोई भी कॉन या कोई भी कमी आपको नहीं मिलने वाली है मशीन के अंदर। मशीन्स इनकी बहुत ही बेहतरीन होती हैं, लेकिन कमी कहाँ पर है? कमी है दोस्तों सर्विस के अंदर। सर्विस इनकी वर्स्ट टू वर्स्ट है। जनरल का जितना बड़ा नाम है, जितने बढ़िया इनके एसी हैं, उतनी ही बेकार इनकी सर्विस है। इनके जितने भी यूजर्स हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हो कि जनरल की सर्विस बहुत ही बेकार है, बहुत ही ढीली है। आपका अगर एसी खराब हो गया तो ठीक होगा या नहीं होगा, बस ये अब भगवान भरोसे रह जाता है। दोस्तों, जनरल के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो बेसिकली कंपनी ओन नहीं है, वो थर्ड पार्टी लोकल्स को दिए हुए हैं। अब उनको जितनी समझ होती है उस हिसाब से ही वो फिर मशीन्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे तो जनरल के एसी, सच बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी ख़राब होते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हो जाते हैं तो वो फिर जल्दी ठीक भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपको जनरल का एसी लेना है तो आपके पास उसके लिए एक वेल नॉलेजेबल टेक्नीशियन होना बहुत ज़रूरी है। आप सर्विस सेंटर के भरोसे होकर के कभी भी जनरल का एसी मत लीजिए, आपको खून के आंसू रुला देंगे ये। क्योंकि दोस्तों, मतलब आपको सर्विस नहीं मिलने वाली है ढंग की। आपके पास प्राइवेट टेक्नीशियन होना चाहिए जो उस मशीन को संभाले, जो उसकी टेक केयर कर सके, तभी आप जनरल के एसी पर हाथ डालें। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे खराब होंगे और आपकी मशीन भी आपको तंग करेगी ही करेगी। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट 2-2.5-3 टन के एसी की है, वो लोग इस एसी को कंसीडर कर सकते हैं। और जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ कूलिंग है, पावर सेविंग के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा अगर आप जनरल का एसी लेने चाह रहे हैं तो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।